ये देखिए जो नमलो जो यहाँ पे जो उद्घाटन हुआ है वो तो अपना निशी का इंडिजिनियस फेथ के लिए है, और जो ट्राइबल कल्चर सेंटर जो है वो बेसिकली ट्राइबल जो कल्चर सेंटर एंड कल्चर बोलो या फेथ बोलो, क्योंकि इंडिजिनियस लोगों के लिए तो बहुत इंटर रिलेटेड, आप उसको सेग्रीगेट कैसे करेंगे? एंड लाइक एज पर द अंडरस्टैंडिंग टीसीसी में सर क्या क्या देखने को मिलेगा? विल इट बी लाइक यू नो वी आल्सो डू नॉट नो वी वांट टू नो कि विल इट बी काइंड ऑफ लाइक इन ऑर्डर टू मेंटेन वहाँ पे कुछ म्यूजियम टाइप का लाइक इन ऑर्डर टू मेंटेन द कल्चर प्रिजर्वेशन होगा या दैट रिलीजियस वे में चैंटिंग्स वो सब होगा? बेसिकली अभी जो टीसीसी का जो प्रोजेक्ट है इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स, तो अभी इंडिजिनियस जो भी हो अपना ट्राइबल्स का अभी खास करके ये निशी एरिया में है, तो निशी एरिया से जुड़े हुए जितने भी जो ट्राइब्स का बारे में वो लोग शायद डिस्प्ले वगैरह करेंगे। अभी फिलहाल तो सिर्फ बिल्डिंग ही उद्घाटन हुआ है, तो अंदर में अभी कैसे प्रोजेक्ट रन करेंगे वो डिपार्टमेंट का ऊपर ही हम छोड़ कर रखा हुआ है। सर, व्हाट विल बी योर कमेंट ऑन एंटी कन्वर्जन लॉ? एज यू हैव मेड अ वेरी पर्टिनेंट कमेंट रिगार्डिंग द इन एनी वे अगर कोई इन्फ्लुएंस करेंगे तो देखिए एंटी कन्वर्जन लॉ तो बहुत साल पहले ही आई थिंक 1978 या 79 में ही शायद इनेक्ट किया था, मगर उसमें कुछ रूल्स अभी तक बना नहीं है। सो ओवर द इयर्स बहुत लोग कन्वर्ट होकर अलग रिलीजन भी अडॉप्ट कर लिया, बट इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, उसमें हम लोगों का कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। बट सेइंग सो यहाँ में तो अभी सब कुछ पीसफुली कोएग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पे, चाहे बुद्धिस्ट हो चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो या चाहे अपना इंडिजिनियस फेथ के बिलीवर्स लोग हो, पीसफुली कोएग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पे, सब लोग अपना अपना जगह में सभी लोग ठीक है यहाँ पे। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली, जो PFMS में जो सैलरी कंपोनेंट ट्रांसफ़र करने का जो फैसला है ये भारत केंद्र सरकार का फैसला है। इसमें केंद्र सरकार का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में जितने भी जो चाहे सैलरी कंपोनेंट हो या इवन पेमेंट मोड में हो, वो पूरा अभी एक नया मॉडल खोल दिया है, और पेरेंट अकाउंट बोलता है और चाइल्ड अकाउंट बोल के अकाउंट खोलना पड़ता है डिपार्टमेंट को। तो ऑलरेडी अपना राज्य के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट का साथ में टेकअप किया हुआ है, शायद कोई कोई डिपार्टमेंट इसको स्लो रिस्पॉन्स कर रहा होगा, मगर मेरे ओर से चीफ सेक्रेटरी को और प्लानिंग कमिश्नर इंक्लूडिंग दी फाइनेंस प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्लियर कट निर्देश दिया हुआ है कि खास करके सैलरी कंपोनेंट में कोई भी स्लो या रुकावट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उन लोगों का पेमेंट भी मंथली नहीं मिलता बोल के ट्विटर में हमको हमेशा टैग करके वो लोग लिखता ही है, तो मैंने क्लियर निर्देश दिया हुआ है। तो आज मैं वापस जाके कल 19 और 20 को वहाँ DC का रिव्यू मीटिंग है पासीघाट में, उसको हम जरूर फ्लैग इन करेंगे फिर दोबारा। उन लोगों का सर एक रिक्वेस्ट है, यदि आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो एक क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता है सर, अलग से आता नहीं है, तो उसको एक ग्रांटिंग एड में एडवांस में दे करके आपने जैसा ऐसा किया यार, नहीं तो सर सिस्टम कम से कम 57 टेबल में जाता है सर, कम से कम 20 टेबल में तो कर दीजिए आप। नहीं नहीं इतना टेबल में तो शायद नहीं जाता होगा, मगर ऑलरेडी मैंने जितने भी खास करके जो कंटिजेंसी या कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो भारत सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम में जो एम्प्लॉय है उन लोगों के लिए एडवांस में 3 मंथ्स का डिपार्टमेंट को एडवांस सैलरी जमा करके भी रखो, ये भी फाइनेंस को निर्देश दिया हुआ है। एनीवे कहीं पे अगर स्लो प्रोसेस हुआ है तो खेद है, हम जरूर हम उसको ठीक कर देंगे। सर आज का प्रोग्राम का लेके एक फ़ायदा उठा के आपने डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का ऊपर में कुछ बोला नहीं सर? नहीं देखिए डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन अभी का टाइम में तो क्योंकि अरुणाचल इज ओवर बर्डन, रिसोर्सेज थोड़ा सा क्रंच है, और डिमांड तो बहुत पहले से है इनका, ये अपना आपातानी की ओर से भी डिमांड है और यहाँ के लोगों का भी डिमांड है, डिमांड तो आई रियली रिस्पेक्ट और डिमांड तो जेन्युइन है, मगर फिर हमारे पास फिलहाल रोटी बांटने के लिए आटा थोड़ा कम है। मतलब सर समय आएगा तब देखा जाएगा ना, समय आएगा तब देखा जाएगा। आज ट्रैवल कल्चर सेंटर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने उद्घाटन किया, और उसके साथ हमारा राज्य के राज्यसभा MP श्री नाबम रेबिया दोनों आया, और हमारा होम मिनिस्टर बामंग पिल्लई आया, और हमारा एजुकेशन मिनिस्टर ताबा चटर्जी आया, और हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर ताकि तकी जी आया, और BJP के प्रेसिडेंट माम व्यूराम वगे जी आया, और सब बहुत डिग्निटीज आया। तो ये ट्रैवल कल्चर सेंटर हमने डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स से फंडिंग हुआ, तो उसका जो फंडिंग का हिसाब से हम लोग ने बहुत मेहनत किया, और आप लोग इस्टीमेट करके देखिए इतना कम पैसा में हम लोग डबल काम किया, और अरुणाचल में इस ढंग का काम करेगा 5 साल में अरुणाचल में पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा। अगर हम डेवलपमेंट का अगर बात करता है
तो हम पांचू भाई हमने मिल के ये एक अरुणाचल के लिए एग्जाम्पल सेट किया कि ऑल शुड वर्क विद अ क्वालिटी, हम ये क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा हमारा डेवलपमेंट पीछे जाएगा, तो हम मुख में डेवलपमेंट बात करेगा और हाथ जो ना वो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कभी होगा नहीं। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल सेट कर दिया, अभी लोगों को यहाँ से सीखना चाहिए और ट्रैवल कल्चर सेंटर बनाने से इससे भी स्टैंडर्ड बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो वी हैव सेट अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश वुड लर्न फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। तो वी हैव वी बिलीव ऑल विल फॉलो ऑन अस। तो वही है हमारा कहना। आपने कुछ मेमोरेंडम दिया? मेमोरेंडम दिया वो हमने ये काम करके दिखा दिया। हम लोग ये काम करते समय किसी को भी बताया नहीं, जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ किसी को हमने जानने नहीं दिया। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अभी इन लोग देख के बहुत अप्रिसिएशन बहुत दिया। तो उसी से अगर हमारा काम करने का ढंग को पसंद है तो हमने मांगा ना, तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजिनस हेरिटेज रिसर्च सेंटर हमने मांगा और वो देगा तो हम उससे भी और सुंदर कर देगा। और एक है हमारा यहाँ वेदर का ऑल वेदर रोड चाहिए, अगर रोड नहीं, इसलिए प्रोजेक्ट को बनाने में भी रेनी सीजन में हम लोग बहुत तकलीफ किया, क्योंकि सामान जब जब धूप देगा वहाँ नीचे से रोड सीमेंट वो पत्थर पड़ा उठाना पड़ा, जब बारिश देगा काम रुक जाए, बहुत तकलीफ है। इसलिए हम लोग ने मांगा कि हम लोग सिर्फ दो पॉइंट का मांगा। कितना किलोमीटर? ये किलोमीटर अभी वो डिपार्टमेंट इस्टीमेट करेगा कितना, हम बोलने से नहीं होगा, इट शुड बी ना डिपार्टमेंट इस्टीमेट करेगा कितना किलोमीटर है ना। सीएम साहब सड़क लेके आएगा बोला दोबारा? हाँ वही तो क्या, तो इसलिए सड़क लेके आएगा, उसका साथ में सड़क लेके आएगा, मतलब इसलिए हम लोग भी बहुत अच्छा मतलब लगा। मतलब दोबारा आने से सड़क लेके आएगा? नहीं दोबारा आने से मतलब नहीं, वो एश्योरेंस दे दिया बना देगा, सड़क को पहले बना देगा, उसके बाद वो आने का वो हम लोग निमंत्रण देगा। थैंक यू ना, थैंक यू सर। आफ्टर मोर देन 70 इयर्स आपने बताया कि 70 साल के बाद ही प्राइम मिनिस्टर आया है, ये डेवलपमेंट आपको कैसा महसूस हो रहा है कि इतना साल लैगिंग बिहाइंड, क्या रीजन हो सकता है? ये वही है थोड़ा इस, हाउ आर यू फील? हां इस तरह का थोड़ा ध्यान नहीं दिया, लेस इम्पोर्टेंस देने का कारण से भी हुआ, और वही है मेजर लेस इम्पोर्टेंस दिया, इस तरह कुछ भी नहीं है। तो अभी इन लोगों को पता चला कि इस तरह का लोग भी कुछ कर सकता है ना, अगर हम कुछ कर सकता है तो हमको साथ देना चाहिए, वही है हमारा। ओके, और एज पर कितना समय लग गया आपको ये बनाने में? ये बनाने में हम लोग ये जो मई लास्ट से शुरू किया है, 5 महीना में दिन रात करके कंप्लीट किया है, 5 महीना में। इसलिए हम बोलते हैं कि हम लोग जैसे काम करता है अरुणाचल में ऐसे करेगा ना, 5 साल में पूरा अरुणाचल चेंज हो जाएगा ना, वे कम्प्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन 5 मंथ। That is why I am saying that we have set an example and rest of Arunachal people should learn from us. सर और एक बात है, जैसे ऐसे लोकल्स यहाँ का ही सुनने को आया कि 700 एज पर जो पॉपुलेशन फिगर है एज बाई द पंचायत, तो काफी यहाँ का जो लोकल्स लोग देखने को नहीं मिल रहे यहाँ पे, तो क्या लोगों का अंदर एक कंफ्यूजन है कि, क्योंकि ज्यादातर जैसे स्पीचेस में भी सुना कि ज्यादातर अलग धर्म में लगाया, तो लोगों का अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन है कि ये धर्म रिलेटेड, तो बिकॉज ऑफ सम ऑब्लिगेशन दे कैन नॉट एंटर, तो आप अगर आपका ही वर्ड से अगर इफ यू कैन क्लियर इट आउट कि किसी को अदर देन वो ट्रैवल का जो कल्चर ट्रेडिशन का अलावा एलो नहीं है, ट्रैवल का जो ट्रेडिशन कल्चर रिलीजन कोई भी रिलेटेड को यहाँ आप प्रयोग कर सकता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई आया नहीं आया हो हमको हम उसको ज़्यादा विचार नहीं करता है, हमको काम करना है, आई शुड प्रूव माई सेल्फ फर्स्ट, देन आई हैव टू टॉक टू अदर्स, एंड किसी को अगर रेस्पेक्ट किया तो फर्स्ट ही शुड बी रेस्पेक्टेड पर्सन फर्स्ट ना, देन आई विल गिव रेस्पेक्ट। इसमें टीसीसी में सर एग्जैक्टली होगा क्या, वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा लोग, जैसे आपने कहा हाँ, कि अभी काफी डिमांड भी किया कि रिसर्च सेंटर के लिए भी किया, या, या। इस साइड का डेवलपमेंट अंदर से क्या क्या देखने को मिलेगा? निशी का जैसे कि निशी का निशी का जो एंटिक्स है ना, माज बोलता है, ताल बोलता है, जो माला होता है उसका रिसर्च होगा, उसको आपको देखने मिलेगा। जैसे हम लोग ने निशी में बड़ा बड़ा सेलिब्रेशन या निदा बोलता है ना, जो मैरिज में मिथुन कहता है, जो मिथुन का जो सिंह को हम लोग रखता है, जो खराब चीज़ में जो मिथुन कहता है उसका सिंह हम लोग नहीं रखा जाता है,
जो अच्छा चीज के लिए सिंह को मिथुन को कहता है उसका सिंह हम लोग प्रिजर्व करता है। तो सर ये यहाँ पे हम लोगों को यहाँ देखने को तो नहीं मिला नहीं, ये तो नया है ना। अच्छा, तो ये हम लोग थोड़ा सा ये हम लोग बिलीव करने वाला के लिए पहले बनाया। तो आपको एक चीज ये जानना है कि बिलीव करने का चीज जो इट इज मतलब क्या है, वो होली प्लेस है। तो होली प्लेस में आपको क्या करना है, होली प्लेस में हम लोग बाथरूम अटैच नहीं होना चाहिए, ऑफिस अटैच नहीं होना चाहिए ना। दीज आर अगेन अनहोली थिंग्स ना। ऑफिस में क्या चीज़ होता है, कंप्लेन क्रिटिसिज्म ना एप्लीकेशन आता है। इसलिए हमने ऑफिस को धूल बनाया, बाथरूम टॉयलेट को धूल बनाया, इट शुड रिमेन एज ए होली प्लेस सबको। इसलिए गाड़ी भी हम लोग अलो नहीं किया, गाड़ी यहाँ आना जाना करेगा तो एनी टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा ना, और एनी टाइम ये इन्वायरमेंट भी पड़ेगा। ये बिल्डिंग को हम लोग इको फ्रेंडली बनाया। सर जैसे कि कहा नहीं आपने यहाँ पे एंटीक पीस रखेंगे, हाँ। तो जहाँ पे एंटीक पीस होते हैं वहाँ चोरी होने के भी बहुत चांसेस है, तो आप सिक्योरिटी किस तरह मैनेज करोगे? सिक्योरिटी को हम लोग ऐसे अभी प्लान कर रखेंगे, यहाँ में पहले बाउंड्री वॉल लगा लेंगे और नीचे में गेट होगा और गेट में हम लोग चौकीदार रहेगा और इसको देखभाल करने वाला अलग होगा, दो चौकीदार होगा और इसको देखभाल करने वाला, वो जो यहाँ में जो देखने आएगा उसका ऑफिस में पहले एंट्री होगा, तो एंट्री करने के बाद उसका रजिस्टर होगा, उसका बाद वो वहाँ एंट्री करने मिलेगा, जहाँ तक एंट्री नहीं होगा। और सिक्योरिटी पेंशन बना के हम लोग उसका अलग गेट में एक अलग चौकीदार होगा, उसको मेंटेन करेगा। और इसलिए हम लोग यहाँ कि यहाँ गाड़ी आना जाना एलोन है, ओनली बाय पुट मार्च गाड़ी वहाँ नीचे रखिए और आराम से आइए। हाँ देखिए।